सबसे पहले मैं सभी साथियों का शहर के जितने भी व्यापारी गण हैं, चाहे वो ट्रेड से हैं चाहे इंडस्ट्री से हैं, सम्मानित मंच की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आदरणीय श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा और उनके साथ मंच पर आसीन श्री आशीष सूद जी से भी निवेदन करूंगा और जो वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में एक क्वांटम जंप हमारी अर्थव्यवस्था को भी मिला है, हमारे व्यापार में प्रगति भी हुई है और उसी का कारण है कि आज सारा विश्व भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को मानने लगा है, उसको सम्मान की निगाहों से देखता है और मोदी जी विश्व के सबसे कदावर नेता बनकर के उतरे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा, इसको वैश्विक मापदंड इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान जंप करके 81 से 40वें दर्जे पर आ गए। स्टार्टअप की दुनिया में हमारा कोई ही नाम ना था, दुनिया हमें बड़ी कोई बहुत संजीदगी से नहीं देखती थी, लेकिन आज हम स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़े हैं और 1,00,000 से अधिक हमारे स्टार्टअप्स हैं, 115-120 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इसी प्रकार
इकोनॉमी की दृष्टि में वी आर नाउ रेटेड एज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमने नहीं कहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कर रहा है। और पांचवें दर्जे पर हम पहुंचे इंग्लिस्तान को पिछाड़ के, जो हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत करके गए थे। और ये बात यहाँ पर, और कुछ एक नए क्षेत्र मोदी जी ने खोले, जैसे खादी का क्षेत्र, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन, 1,00,000 करोड़ का आज टर्नओवर खादी का हो गया। जहाँ खिलौनों का आयात होता था आज निर्यात हो रहा है, जहाँ अगरबत्ती का सारा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जाता था, 4-5 हज़ार करोड़ की तजारत होती थी, सारी अगरबत्ती वियतनाम कोरिया से आती थी। मोदी जी ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 100 साल पुराना, उसमें संशोधित किया, बैम्बू को उसके दायरे से बाहर निकाला। आज स्थिति यह है कि बैम्बू हमारे यहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये बात, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित करने का महत्व ये भी है कि आने वाले 20-25 वर्षों में, जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, जब भारत उस शिखर पटल पर पहुँचेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि होगी, जो वैल्यू एडिशन होगी, वो इन्हीं क्षेत्रों से होगी जो हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन राज्य है। और उसका उदाहरण आपने देख लिया, रोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है, लाखों में वहाँ के जो उसमें जुड़ गए हैं, एकरी स्टार्टअप्स उसमें खेल रहे हैं। और आपके माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य है समाज में, कि हर प्रकार की हैंड होल्डिंग सरकार की ओर से उपलब्ध है, तकनीकी सहयोग, आर्थिक सहयोग, मार्केट लिंकेज। और आज व्यापारियों से भी हमारा यही आह्वान था कि वो हमारी स्टार्टअप मूवमेंट के साथ जुड़ जाए, क्योंकि इंडस्ट्री लिंकेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल स्टार्टअप्स। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन करके शुरू से इस मुहिम के साथ जुड़े और एक सिनर्जी के साथ हम काम कर सकें। सर, स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों देखा गया था कि CSIR IIIM जो है वो भांग के ऊपर एक प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहा है। अगर इस सब की बात की जाए तो क्या आपको भी लगता है कि एक कमी रह गई है कि हम अब तक अपने खुद के यहाँ के इस कल्चर को समझ नहीं पाए, आयुर्वेद को अभी तक समझ नहीं पाए हैं? बिल्कुल, आप ठीक, एक बात इसमें भी आपकी बात ने बहुत अच्छी बात कही, और इसमें जुड़ ये भी जाता है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में जम्मू कश्मीर की भूमिका रहेगी, योगदान रहेगा, तो जहाँ अरोमा मिशन का रहेगा, यहाँ कैनाबिस का भी रहेगा। हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का प्लांट का प्रोजेक्ट CSIR IIIM में शुरू किया गया कैनेडियन सहयोग से, और इसमें जो दवाइयाँ ईजाद होंगी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की होगी, दूसरे देशों की उपलब्ध होंगी, जिसमें पेन किलर्स में, न्यूरोपैथी के लिए, कैंसर के मरीजों के इत्यादि के लिए जी। और ये शायद आपका कहना ठीक है कि शायद यहाँ के जो हमारे रिसोर्सेज थे, पिछली सरकारों ने उसकी ओर या ध्यान नहीं दिया, और हमारी भी प्राथमिकताओं से कूच कर गए। और इसलिए हमारे लिए भी समाज में जाकर के ये बात रखना अनिवार्य है कि हमारे जो एक्सक्लूसिव डोमेन्स हैं, हम उसका ध्यान दें, और हम ना केवल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे, यहाँ के व्यापार सामर्थ्य में सुधार करेंगे, बल्कि हम भारत की आने वाली समय की अर्थव्यवस्था में भी एक प्रमुख भूमिका निभाने की स्थिति में। सर, ये कि ये जो आज का व्यापारी सम्मेलन है, क्या ये ब्रिज का काम कर सकता है? निश्चय, मुझे लग रहा है कि समाज, व्यापार वर्ग समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है, उसको अलग से नहीं देखना है। और आने वाले समय में ये पब्लिक प्राइवेट की जो लकीरें हैं वो जाती रहेंगी, सरकार और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपके सामने उदाहरण है, स्पेस का विभाग पहले एक गोपनीयता में काम करता था, मोदी जी ने उसको उसके दरवाजे खोल दिए। आज 150 से अधिक स्टार्टअप, प्राइवेट स्टार्टअप्स वहाँ पर हमारे स्पेस में, एक स्पेस इकोनॉमी एक नए तौर पर आई है। अमेरिका हमसे कितना आगे हुआ करता था स्पेस के क्षेत्र में, आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं, और लगभग $174 मिलियन हिंदुस्तान उसमें से कमा चुका है। सर, 9,00,000 नौकरी का आंकड़ा आपने रखा आज, सर विपक्ष गुमराह कर रहा था, लोगों को लगता है कि आंकड़ा रख नहीं रहा था, आज आपने आंकड़ा रखा है कि 9,00,000 नौकरी आपने दी। देखिए, जहां तक सरकारी नौकरियों का ताल्लुक है, जो मैंने आंकड़ा रखा कल की प्रेस वार्ता में, वो केंद्रीय नौकरियों का था, क्योंकि प्रदेश की नौकरियों को अगर मिला दिया इससे भी अधिक। लेकिन अगर केंद्र की नौकरियाँ भी देखें तो हमने पहले 9 वर्षों में, यानी 2014 से लेकर के 2023 तक, लगभग 9,00,000 सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध कराई है, जबकि इन्हीं 9 वर्षों के कार्यकाल में 2004 से लेकर 2013 तक वो केवल 6,00,000 देख पाए थे। इसके अतिरिक्त ना सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज आया, बल्कि क्वालिटेटिव, हमने पारदर्शिता लाई, हमने इंटरव्यू समाप्त कर दिया, कोई पक्षपात नहीं रहा, भाई भतीजावाद नहीं रहा, लेन देन नहीं रहा, और ऑनलाइन आपने देखा रोज़गार मेला का एक नया सिलसिला शुरू किया, ऑनलाइन वितरित किया जाता है, लगभग 70,000 से अधिक हर रोज़गार मेला में प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन उसका वितरण करते हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं रहता, मिडल मैन नहीं रहता, सरलता लाई, पारदर्शिता लाई,
लेवल प्लेइंग फील्ड हर नौजवान को दिया है। सर, स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी जोर जो है केंद्र सरकार जो है वो दे रही है, क्या लगता है कि अमित शाह जी भी 23 तारीख को जहाँ पहुँचने वाले हैं नगर के अंदर, तो कोई और गुड न्यूज़ जो है जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स के लिए? मुझे लगता है कि उसके लिए हम सबका सहयोग आपका भी अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर उतनी तेज़ी से वो गति नहीं पकड़ पा रहा जैसे कि दूसरे प्रदेशों में, हालांकि हमारे इतने बड़े सरमाए हैं जो शायद दूसरे प्रदेशों के पास उपलब्ध नहीं चेंज ऑफ माइंडसेट। हम अपनी मानसिकता से ये सरकारी नौकरी का वहम निकालते हैं। अब आप देखिए जो लेवेंडर का काम हुआ है इसमें, और मैं चाहूँगा आप जाकर के अभी इंटरव्यू करें उनका, MBA और BTEC की नौकरियाँ छोड़ करके बच्चे आए, आखिर वो मूर्ख तो नहीं है, वो भी आप ही के हम उम्र है, कुछ दिखा होगा तभी आए हैं। लेकिन हमारे पास हमारे 3,000 की नौकरी के लिए हम धरने पर बैठे अपनी जवानी गुजार देते हैं इसी, क्योंकि स्टार्टअप अगर ल्यूक्रेटिव होगा, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज होगा, तो उसका सस्टेनेबिलिटी भी आएगी और उसमें आकर्षण भी रहेगा। इसी एक तो चेंज ऑफ माइंडसेट, दूसरा चेंज ऑफ बिजनेस कल्चर। आजकल सारी बिजनेस टेक्नोलॉजी और आइडिया ड्रिवन है, जो शायद यहाँ पर अभी जागृति कम आ रही है, और हमारे पास वो हर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो विश्व में कहीं और हो। और तीसरा अवेयरनेस, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आपके मोबाइल में हर जानकारी, हर वेबसाइट उपलब्ध है, हर स्कीम के लिए डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। लेकिन जब हम बीच में जाते हैं कुछ लोगों से पूछते हो, कहते हैं सर हमें किसी ने बताया ही नहीं, तो बताने वाला ज़माना चला गया क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध है। तो आप जैसे हमारे जो नौजवान पत्रकार मित्र हैं वो इसकी जागरूकता पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और आपको भी उसमें गर्व महसूस होगा। सर, यूथ को क्या मैसेज जम्मू कश्मीर के, आपको काफ़ी टकटक लगाए देखते हैं क्योंकि आप जब भी कोई यूथ का मसला आता है जम्मू कश्मीर के तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पिछले दिनों जब यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल गेम्स के लिए जाना था तब आपने हस्तक्षेप किया, उनको यहाँ से वहाँ पर फ्लाइट में टिकट दिया, जो भी उनको वीज़ा कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं वो आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा यूथ में एक तो एक्सपोजर की कमी इसलिए भी है कि मुझे लगता है, जैसे मैं कार्यक्रम में आजकल कह रहा हूँ कि जब भी आप मेरा युवाओं के साथ इंटरेक्शन कराएं तो कृपा करके उनके माता पिता को भी साथ ले आए, कि हम अपने 2 घंटे उनको समझाते हैं, वो जब घर जाते हैं उनके पिता कहते हैं वो तो उन्होंने अपना कर लिया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा, फिर डालते हैं किसी कोचिंग सेंटर में। और ये जितने आपने देखा, ये जो जितने स्टार्टअप्स कामयाब हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटरों में नहीं गए, बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन इनमें एक एप्टीट्यूड था इनोवेशन का, इनको एक डायरेक्शन दी गई, हैंड होल्डिंग हुआ, सहयोग हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि सारे समाज में थोड़ी सी जागृति लाने की आवश्यकता है। बहुत एक प्रदेश में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब जैसे सरकारी नौकरी अब हमें तो गुजरात में तो मैंने देखा कि लोग सिविल सर्विस का फॉर्म भी नहीं भरते, और मोदी जी के होते हुए स्टार्टअप्स की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर हम दुनिया में हैं। तो आप खुद अनुमान लगाइए कितनी विडंबना होगी और कितनी अफसोसनाक बात होगी कि तीसरे दर्जे पर हिंदुस्तान हो दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में, लेकिन जम्मू में या जम्मू कश्मीर में उसका कल्चर नहीं है। तो इसको हम बढ़ावा देंगे और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में बहुत जल्द परिवर्तन आने वाला है। विपक्ष को ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं सर।